hey guys, good morning. i'm kashif iqbal and today we are going to start our fresh lecture. it is lecture number 12 of english grammar and you know very well that today till now we have completed our lecture 11th, first lecture 11th and um, we have also completed our stage number I 1 know. which was uh, parts of speech. now we are moving towards the mid of uh, stage number 2 actually this is uh, all about uh, past simple tense we are going to start uh, past simple tense before uh, starting the lecture i would like to discuss two more things with you number one in last lecture you know very well we have discussed uh, about the introduction of the tenses about the importance of tenses that why tenses are important for us and uh, in this lecture we are going to continue actually our uh, tenses and we are going to start with the past tense you all know very well that uh, past tense contains uh, four subtypes uh, which are past simple or past indefinite number 2 past continuous number 3 past perfect and number 4 past perfect continuous so

अगर पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस की डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए सो so इसकी डेफिनेशन टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच हैपन इन द प्रीवियस और पास्ट टाइम इट कॉल्ड पास्ट सिंपल टेंस मीन्स ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में या प्रीवियस टाइम में हुआ हो फॉर एग्जाम्पल सो आई हैव वेरियस है फॉर ऑल ऑफ यू मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स हैं हम इनको जरा देखने की कोशिश करते हैं नंबर वन ही वेंट टू स्कूल वेंट आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म है गो की नंबर टू You wrote a letter, wrote upload janth, right ki second form hai. Number three. She picked the ball. Number four. Ali jumped into the river. Number five. The cow grazed the grass in the field. Number six. He was a डॉक्टर नंबर सेवन यू वर अ टीचर सो हम लोग जानते हैं कि वाज वर सेकंड फॉर्म है इज एम आर की सो so ये हमारे पास पास्ट सिंपल की एक डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए यहां पे एक डेफिनेशन नंबर टू भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा टू टॉक अबाउट रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन मीन्स पास्ट सिंपल टेंस ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि रिपीटेड भी हो या हैबिचुअल यानी कि आदतन भी किया गया हो सो दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू इंग्लिश स्पीकिंग डेफिनेशन नंबर टू फॉर एग्जाम्पल आई फ्वेड क्रिकेट इन माई चाइल्ड हुड अब बचपन में क्रिकेट खेलना यकीन एक रिपीटेड एक्शन है आई फोईड क्रिकेट इन माई चाइल्ड हुड यहां पर अगर पास्ट सिंपल के फार्मूला के हवाले से बात की जाए कि हाउ टू मेक सेंटेंस इन पास्ट सिंपल टेंस ये मैंने स्लाइड में भी दे दी है फॉर्मूला सो नाउन और पर नाउन प्लस सेकेंड फार्म ऑफ ए वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीन नाउन प्रोनाउन होता है उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेस करते हैं सोन आफ्टर नाउन प्रोनाउन और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर वन शी वॉश्ड हर क्लव अब देखें शी क्या है प्रोनाउन है वॉश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके बाद हर क्लोज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है शी वॉश्ड हर नंबर टू He was a doctor he ke hai, pronoun hai, was a second form of the verb or our doctor remaining part of the sentence number three I was a teacher right number four they were few student number five. she cooked the food. तो इन सारी एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो नॉन परो नॉन के बाद सेकेंड फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस ओके सो स्टूडेंट यहां तक हमने पास्ट सिंपल की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल्स और फार्मूला हमने फार्मूला डिस्कस किया कि कैसे पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनाते हैं और साथ ही उसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि पास्ट सिंपल की मदद से हम इंग्लिश के और कौन कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं या मुख्तलिफ तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट सिंपल के हम उनको जरा भी देखने की कोशिश करते हैं इसमें जो हमारे पास स्टाइल नंबर वन है वह है टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस यानी कि सवालिया फिक्रा कैसे बनता है पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस जैसे हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल में आई एम सॉरी जैसे हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल में हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं एक एक्शन वर्ब की मदद से हमने बनाया दूसरा हमने स्टेट वर्ब की मदद से बनाया एक्शन वर्ब की मदद से क्या बना था शी वॉश्ड क्लोथ्स यू रोट अ लेटर ये हमने एक्शन वर्ब की मदद से बनाया था और हमने स्टेट वर्ब की मदद से कौन से सेंटेंस बनाए थे पास्ट सिंपल में दूसरी तरह के ही वाज अ डॉक्टर यू वर अ टीचर यानी कि पहले में स्टेट एक्शन वर्ब है दूसरे में वाज वर का इस्तेमाल है अब इन दो तरह के सेंटेंसेस को अगर इंटरोगेटिव या क्वेश्चनेरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं आप दोनों तरीकों को समझने की कोशिश करें प्लीज जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब यूज किया गया है नाउन पर नाउन के बाद मींस वो सेंटेंसेस जिनमें वाज वर नहीं है वो एक्शन वर्ब की मदद से बने हैं फॉर एग्जांपल यू अ लेटर यू प्लेड क्रिकेट आई वेंट टू स्कूल ही वेंट टू स्कूल ये वो है जिनमें एक्शन वर्ब है तो आपने क्या करना है आपने सेंटेंस के स्टार्ट में इसका फार्मूला देख लेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में डिड लगाएं डिड प्लस नाउन और प्रो नाउन प्लस सेकेंड फार्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगा दें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस था ही इन टू स्कूल तो इसका क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव क्या बनेगा पास्ट सिंपल में चूंकि ही इवेंट स्कूल भी पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस है तो जब हम इसको क्वेश्चनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे डिड ही गो टू स्कूल मीन सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया और सेंटेंस के स्टार्ट में हमने डिड लगा दिया या हमारे पास है एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा यू प्लेड क्रिकेट आपने क्रिकेट खेली अब इसी का अगर क्वेश्चनरी बनाया जाए या जा, इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो क्या बनेगा डिड यू प्ले क्रिकेट मीन्स डिड लगा के सेकेंड फॉर्म प्लेड को फर्स्ट फॉर्म प्ले में कन्वर्ट कर दिया नंबर थ्री जन पास्ट सिंपल का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव क्या बनेगा डिड अली वॉच टेलीविजन नंबर फोर अफशा यूज द मोबाइल अब यहां पर यह पास्ट सिंपल का सेंटेंस है अगर इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया जाए तो क्या बनेगा डिड अफशा यूज द मोबाइल यूज को हमने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया नंबर दे ऑफर्ड प्रेयर पास्ट सिंपल का सेंटेंस है क्वेश्चनरी क्या बनेगा पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा डिड दे ऑफर प्रेयर? सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्वेश्चनरी सेंटेंस की पास्ट सिंपल की मदद मतलब से लेकिन एक्शन वर्ब का अब अगर हम स्टेट वर्ब की बात करें तो उसमें बहुत आसान है जैसे हमारे पास ही वॉज अ डॉक्टर यू और अ टीचर इस तरह के सेंटेंसेस थे वॉज वर्ड इन सेंटेंस में इनको क्वेश्चनरी कैसे बनेगा वाज वर्ड को सेंटेंस से बाहर निकालें सेंटेंस के स्टार्ट में और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहने दें फॉर एग्जाम्पल ही सो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस के हवाले से एग्जाम्पल है सो so, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास दूसरा जो स्टाइल है दूसरा जो तरीका है पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को देखने का वो है टू तो मेक नेगेटिव सेंटेंस पहले हमने टू तो मेक क्वेश्चनरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया अब हम नंबर टू पे मूव कर रहे हैं और ये है तो टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इसका इसमें भी हम अपने सेंटेंसेस को उन दोनों तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे जैसे हमने टू तो मेक क्वेश्चनरी सेंटेंस में देखा अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब यूज किया गया है फॉर एग्जाम्पल ही इस तरह के सेंटेंसेस में क्या करना है फार्मूला देख लेंगे नाउन प्रोनाउन नाउन प्लस डिड नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म विल बी चेंज इन टू फर्स्ट फॉर्म मतलब हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी डिड नॉट के बाद और फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना है फॉर एग्जांपल एग्जांपल को देखेंगे He went to school number one. This can negative kya he did not go to school. Number two. He used mobile. So is a negative kya He did not use mobile. Number three. They took tea. So negative Kabonica they did not take tea. So, ये हमारे पास एक्शन वर्ब के हमारे हवाले से नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका है पास्ट सिंपल टेंस में नेक्स्ट अगर स्टेट वर्ब हो वाज वर्क का इस्तेमाल हो उसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे बहुत आसान है फार्मूला देखेंगे नाउन और प्रोनाउन प्लस वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ डॉक्टर नेगेटिव क्या बनेगा ही वॉज नॉट अ डॉक्टर नंबर टू वर क्रिकेट प्लेयर एग्जाम्पल क्या बनेगी दे वर नॉट क्रिकेट प्लेयर ही वॉज अ शॉपकीपर नेगेटिव क्या बनेगा ही वॉज नॉट अपकीपर सो ये हमारे पास नेगेटिव के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग आ गई नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर थ्री पे टू मेक इंट्रोगेटिव एंड कंबाइन सेंटेंस अगर हमने इंट्रोगेटिव भी बनाना है और negative combine एक sentence बनाना है, तो फिर क्या बनेगा इसका फार्मूला पहले देख लेंगे फिर हम इसके एग्जाम्पल की जाने बे फार्मूला है प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस डिड नाउन और फ्रोनाउन not first form plus remaining sentence for example he was a doctor normal sentence is going to interrogative or negative was he not a doctor number 2 they were cricket player were they not cricket player number 3 यू आर नॉट अ स्टूडेंट तो इसका क्या बनेगा वर यू नॉट अ स्टूडेंट और अगर इसी को हम एक्शन uh, वर्क की मदद से भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल शी वॉश कलर्व तो इसका क्वेश्चनरी और नेगेटिव क्या बनेगा डिड शी नॉट वॉश कलर्व यू यूज कंप्यूटर तो इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या बनेगा डिड यू नॉट यूज कंप्यूटर जहन में रखें कि क्वेश्चनरी सेंटेंस के लिए हमारे एक्सप्रेशन भी ऐसे ही होंगे मैं आपको एक और लास्ट और एग्जाम्पल देना चाहूंगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की साइमा थॉट इन द क्लास डिड साइमा नॉट टीच इन द्लास सो हमारे एक्सप्रेशन भी क्वेश्चनेरी होने चाहिए ओके okay. हमारे पास नेक्स्ट जो तरीका है पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को मजीद समझने का या इसके स्टाइल को देखने का वो है टू मेक डब्ल्यू एच वर्ल्ड डब्ल्यू एच वर्ल्ड आप लोग जानते हैं कि उन अल्फाज को उन वर्ड्स को कहते हैं जो वेन वाई वट वेयर विच हाउ हो होम मीन्स क्वेश्चनरी क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला इसका क्या है फार्मूला सुन लेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में डब्ल्यू एच वर्ल्ड प्लस डिड प्लस नाउन और पर नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस ठीक है जी इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ही वेंट टू स्कूल एक नॉर्मल सेंटेंस है पास्ट सिंपल का अगर आप इसको डब्ल्यू एच की मदद से क्वेश्चनरी बनाएंगे सवालिया बनाएंगे तो क्या बनेगा वाई डिड ही गो टू स्कूल दे वर्चर्स एग्जाम्पल नंबर टू दे वर्चर्स तो इसका क्या बनेगा डब्ल्यू एच वर्ल्ड की मदद से सेंटेंस वेन वर दे टीचर यहां पर हम डेढ़ की बजाय चूंकि स्टेट वर्ब है तो वर्क वर्क को हमने बाहर लगाया यू मेड नॉइज एग्जाम्पल नंबर थ्री यू मेड नॉइज वाई डिड यू मेक नॉइज इंटोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ल्ड के साथ कैसे बनेगा वाई डिड यू मेक अ नॉयज या हम एक और क्वेश्चन डब्ल्यू एच मदद से भी करते हैं Who were they? वो कौन थे Who were they? He visited Karachi. <coughs> I'm sorry. He visited Karachi. Past simple का sentence है उन्होंने उसने कराची का visit किया When did he visit Karachi? उसने कराची का visit कब किया So ये हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल्स हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग है पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को कि अगर वो इंट्रोगेटिव में आ जाएँ नेगेटिव में आ जाएँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंबाइन में आ जाएँ या डब्ल्यू एच वर्ल्ड की मदद मतलब से आ जाएँ तो हमने उनको कैसे टैकल करना है हमने फार्मूला प्लस एग्ज़ाम्पल्स भी डिस्कस किया है लास्ट पे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ आपने गौर से इस एग्ज़ाम्पल को सुनना है और फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे क्या इसके आंसर्स हैं एक्सरसाइज बेसिकली आपके लिए एक प्रैक्टिस भी है और आप इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने एक नोट भी दे दिया आप इसको जरा देखेंगे कि एक्सरसाइज में करना क्या है ये इन द ब्लैंक्स है एंड यू हैव टू प्लेस द अप्रोप्रियट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने इसमें अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और इसके जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं वो मैं एंड पे यकीन स्पीक आउट कर दूंगा आपके लिए लेकिन आपने सिर्फ सुनना है पहले आप एक्सरसाइज सुने और मेरे साथ साथ आप इनको जवाब देते जाएं लेकिन एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज मैं आपके साथ इनके कंप्लीट आंसर शेयर कर दूंगा आप कोशिश करें खुद को टेस्ट करें ऊपर वाला जो लेक्चर मैंने अभी आपको डिलीवर किया है इसकी मदद से नंबर वन लास्ट ईयर आई डैश माय हॉलीडेज इन आयरलैंड इसमें आगे ब्लैंक में मैंने दे दिया है स्पेंड स्पेंट

dash around by car with two friends and we dash and we visited lot of places इसमें जो आगे मैंने ब्लैंक में ओ ब्रैकेट में दे दिया ट्रैवल ट्रैवल्ड ट्रैवल्ड ट्रैवलिंग आपने बताते जाना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है नंबर फोर इन द इवनिंग्स वो यूजुअली डैश टू अ पब इन ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है गो वेंट गॉन गोइंग Number five. One night we even dash some Irish dances. In bracket, kya hoga? Learned, 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 learning. Number six. We dash very lucky. with the वेद आर वर् बिन ये हमारे पास वर्ड्स हैं जिनमें से आपने एक वर्ड चूज करना है नंबर सेवन एट डैश अलॉट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है रेन रेंड रेंड रेनिंग नंबर एट शी डैश फ्लुएंटली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है स्पीक्स स्पोक स्प स्पीकिंग नंबर नाइन अक्सा डैश द एग्जाम ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है फैसिस फास्ट फास्ट फासिंग नंबर टेन आई डैश फास्ट टें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है आई होप कि आपने इनके आंसर दे दिए होंगे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं नंबर वन स्पेंट सेकंड फॉर्म Number 2 was Number 3 traveled second form Number 4 went Number 5 learned second form Number 6 were second form number seven rained second form number eight spoke number nine passed number ten understood so student Try to do practice of past simple tense more and more. So, this is the good way to learn past simple tense. And in this way, you can also contextually work on your personality development as well. This will be very beneficial from your future's perspective. Thank you very much. Take good care and goodbye. Take care.